सतगुरु दे जगना तो वाडा कोई तीर्थ अस्थान नहीं। सात संग जी बड़े प्रेम से कहना धन रंकार जी। तो सात संग जी, जैसे 75वां निरंकारी संत समागम जो वार्षिक होते हैं सात संग जी, वो जा चुका है सात संग जी, लेकिन सात संग जी उसकी सात संग जी जो यादें हैं सत्संग जी, वो आज भी हैं सत्संग जी। और सत्संग जी जो 76वां निरंकारी संत समागम सत्संग जी समालखा में आध्यात्मिक सतल समालखा में होने जा रहा है सत्संग जी, कितना सत्संग आनंदित सत्संग जी, ये जो मन है सत्संग जी हो रहा है सत्संग जी, और सभी संतों के सत्संग जी जो मन है सत्संग जी वो झूम रहे हैं सत्संग जी, क्योंकि सत्संग जी जो ये सतगुरु होता है सत्संग जी, ये सत्संग जी जो ये पावन मौका होता है सत्संग जी, जो जहाँ पर सत्संग जी समागम होते हैं सत्संग जी और सत्संग लगती है सत्संग जी, ये भी सत्संग जी बड़े ही भागों वालों को नसीब होते हैं सत्संग जी, बड़े ही सत्संग जी भागों वालों को मिलते हैं सत्संग जी। तो सत्संग जी ये जो 76वां निरंकारी सत्संग जी संत समागम होने जा रहा है, तो सत्संग जी सतगुरु सत्संग जी हमें खुशियाँ दे रहा है सत्संग जी, सत्संग जी सतगुरु खुशियाँ लौटा रहा है सत्संग जी, उसे हमें कैसे लेना है कैसे नहीं लेना, ये सत्संग जी हमने खुद से सोचना है सत्संग जी, अपने मनों में सत्संग जी देखना है सत्संग जी, क्योंकि सत्संग जी जैसे सतगुरु माता जी की सत्संग जी इस टाइम सत्संग जी जो टूर यात्रा है सत्संग जी, वो सत्संग जी अभी दूर देशों में है सत्संग जी, और सत्संग जी जो ये समागम होगा सत्संग जी अक्टूबर के बीच होगा सत्संग जी, उसके बीच सत्संग जी जो सतगुरु माता जी की रहमतें होंगी, तो सत्संग जी उससे अपनी झोलियाँ आप सभी संतों ने भरनी है सत्संग जी। सत्संग जी जब दास ने अपने ग्रुप में मैसेज खोला, तो सत्संग जी जैसे ही पता चला कि निरंकारी संत समागम जो 76वां है सत्संग जी वो अक्टूबर में होने वाला है और आ रहा है, तो सत्संग जी जो दास का हृदय था सत्संग जी, जो मन था सत्संग जी दास का, वो झूम उठा और गा उठा, क्योंकि सत्संग जी ये जो सेवा होती है सत्संग जी और समागम होता है सत्संग जी, बहुत ही सत्संग जी किस्मत से होते हैं सत्संग जी, क्योंकि सत्संग जी इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है सत्संग जी, आज है तो कल नहीं है सत्संग जी, तो हमें सत्संग जी इस जीवन के बीच जो सत्संग जी एक एक घड़ी है सत्संग जी, ये सतगुरु को सत्संग जी समर्पित करनी है सत्संग जी। तो सत्संग जी दास आप जी के चरणों में यही प्रार्थना करता है सत्संग जी, दास को भी सत्संग जी आप आशीर्वाद दें, दास भी गुरु चरणों से लगा रहे, तो सत्संग जी दास में ऐसा कोई गुण नहीं है जो आपको दास बतला सके, तो सत्संग जी दास को भी आप आशीर्वाद हमेशा देते रहना, और इस सतगुरु माता जी से भी दास आशीर्वाद ही मांगता रहता है। और सत्संग जी दास ने सत्संग जी ये चैनल बनाया है, तो कृपया करके सत्संग जी दास के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सत्संग जी दास जब भी एडवांस सेवा में सत्संग जी जाएगा, तो वहाँ की सत्संग जी कुछ वीडियो और कुछ तस्वीरें सत्संग जी लेकर आएगा, तो सत्संग जी आप जी के चरणों में प्रार्थना है वो सत्संग जी दास अपने चैनल पर सत्संग जी अपलोड करेगा, तो दास का चैनल कृपया करके सब्सक्राइब करें, ताकि सत्संग जी जो वहाँ की सेवाओं की वीडियो है सत्संग जी दास आप तक पहुँचाएगा, यही सत्संग जी आप जी के चरणों में प्रार्थना है। सत्संग जी जैसे कहते हैं, अगर किसी की सत्संग जी खाली झोली होती है सत्संग जी, और जो सत्संग जी इस सतगुरु के दरबार में सत्संग जी चला जाता है, उसकी सत्संग जी जो खाली झोली है सत्संग जी वो भर जाती है, तो सत्संग जी आज वो झोली सत्संग जी भरने का टाइम हमारे पास आ चुका है सत्संग जी, तो सत्संग जी वो झोली सत्संग जो हमारी खाली है सत्संग जी वो रहमतों से सत्संग जी भरें, और सत्संग जी वहाँ पर लाखों श्रद्धालु आएंगे सत्संग जी, उनसे सत्संग जी प्यार नम्रता और भाईचारे की सत्संग जी जो भावना है सत्संग जी उनमें सत्संग जी हमें देखने को मिलती है सत्संग जी, और कैसे लाखों लाखों की संख्या में सत्संग जी वहाँ श्रद्धालु सत्संग जी एकत्रित होते हैं, तो सत्संग जी वहाँ प्यार और अमन का सत्संग जी संदेश ही देते हैं, तो सत्संग जी ऐसी कृपा करो, दास भी सत्संग जी इस सतगुरु माता जी के
और आप जी के आशीर्वाद का हमेशा पात्र बना रहे। सात संग जी बड़े प्रेम से कहना धन रंकार जी।